हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों, आज के अपना क्वेश्चन है एमपीपीएससी जी के रीजनिंग की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है रहने वाला है। तो ये दोस्तों बार बार एग्जाम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। पहला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो दोस्तों, त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दूसरा क्वेश्चन, बंगाल का शोक तो ये कहते हो दोस्तों दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो दोस्तों लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन जनक लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 7.4 होता है। 7.4 रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। बॉक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये शब्द यहाँ पर गलत छप गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का है दोस्तों हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। विलय नीति किसने चलाई थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने चलाई। विलय नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। विलय नीति किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु तो रामानंद। कबीर के गुरु कौन है? रामानंद। नेक्स्ट के, तीजन बाई का संबंध किससे? तो दोस्तों पंडवानी गायिका। तीजन बाई कौन थी? पंडवानी गायिका। नेक्स्ट है, कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया करती है? तो दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने पानी को दुधिया कर देती है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये 1984 में हुई थी। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सी गैस रिसा हुआ था? तो दोस्तों रेस घिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस गैस का रिसा हुआ था 1984 में, और वहाँ बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें बहुत सारी गैस निकल गई थी और बहुत सारे लोग वहाँ मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा है? तो दोस्तों ये मुंबई को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों यूरी गागरिन। अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। सुब्रतो कप का संबंध किससे? तो दोस्तों फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? तो दोस्तों ये है उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में। प्रश्न आपके, दिन रात कब बराबर होते हैं? दोस्तों 21 मार्च को। दिन रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर परोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो किसका नारा था? तो दोस्तों ये था रामप्रसाद बिस्मिल का। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सबसे अधिक कितनी होती है? तो दोस्तों 552 होती है। कितनी होती है? 552 होती है। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा है? दोस्तों रोम को कहते हैं। गगन नारंग का संबंध किससे? तो दोस्तों निशानेबाज से। मार्स गैस कितने कहते हैं? मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मार्स गैस किसे कहते हैं? मार्स गैस के लिए दोस्तों क्वेश्चन अपने पास है। मार्स गैस कहते हैं दोस्तों मीथेन को। मार्स गैस कहते कहते मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। चिपको आंदोलन के प्रेरणाता कौन थे? तो दोस्तों ये थे सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था अगर ऐसा पूछे तो? उत्तराखंड में। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रेरणाता कौन थे? तो थे मेघा पाटेकर। नंदा बचाओ आंदोलन की प्रेरणा तो कौन थी? मेघा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अंधायुग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती। अंधायुग के लेखक कौन थे? धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले। कौन थे? ज्योतिबा फुले।
नेक्स्ट है आईने अकबरी किसने लिखी, तो ये लिखी थी दोस्तों अबुल फजल ने। आईने अकबरी के लेखक कौन थे, अबुल फजल। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो अच्छे लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, जब तक अपने ख्याल रखिएगा।